बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सोच रहा था थोड़ा, तो सोचते सोचते मुझे एक वाकया याद आया कि वो ना आग का गोला, वो जो मेरा एक दोस्त आया था समुंदर खान, तो उसको मैंने गुस्से में बड़ा कुछ कहा, बताया मैंने कि ये होगा वाकया जो होना है, जो कि अल्लाह ताला कुछ ऐसे प्लानेट हैं वो ऐसे बना देता है कि काम तो उनका भी होता है कुछ ना कुछ। ये नहीं है कि वो फील्ड से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो जहन्नम बन जाते हैं, वो दोजख बन जाते हैं। जैसे आप देख लें कई प्लानेट ऐसे हैं। तो मेरे मुंह से आग का गोला निकला, तो आग के गोले के ऊपर मैं सोचता सोचता ना मुझे एक वाकया याद आया। वो था जब बचपन का वाकया था कि मेरे वालिद और मेरे ना पुफी की लड़ाई हो गई घर में। ये कभी कभी आते थे मेरे, तो ये लड़ते लड़ते ना, तो मेरे प्यो ने कह दिया कि तू आगे का गोला है। वो इतनी इस लफ्ज़ से इतना रौला पिया, वो पिटन लग पे सारे। अब वो जो सारे पिटन लग पे, मेरा पूरी घबरा आ गया, वो चला गया, निकल गया। वो उस तो बाद आ गई शामत मेरी, जो कोई गल होनी हो मेरे नाल ही कोई यहोजा ताना तूना दे देना। दादी का हाथ नहीं, दादा तो नहीं, उन्होंने तो पता ही नहीं होता। जो भी इनके बच्चों के बच्चों के बुफियाँ भी शामिल, चाचे है कि पता होना कोई बार ही था। वो इस तरह बच्चों चुना नहीं, औरत कर दिया, तो ताने मैंने मिलने शुरू हो गया। मेरे को तंग ही है, मेरी जमीन तंग हो गई, तो मैं भी थोड़ा सा होश माल रहा था। तो एक दिन ना पता नहीं कि पुफी मेरी ने कहा मैंने दाणा का ही क्या फलाना क्या, उस दिन हरे गुस्से जी कितने दाने नहीं लैके दते या कुछ ना कुछ होता था बड़ा, तो दाने लैके देता। तो वो ना ऐसी गल हुई ना, तो मैं ना बड़ा बर्दाश्त कर सकया, तो मैं टुर पाया, निकल गया करो। हूँ मैं कह रहा हूँ मैं कुड़ियाँ जा रहा हूँ, मेरे पास जेब में कुछ भी नहीं है। अगे मैं नवे किले गया ना, तो मेरा चाचा लगा साइकिल से, मैंने कहा तू मेरे साइकिल से मैं कुड़ियाँ जा रहा, कहता जी तू मेरे को किराया ले लिया फिर चला जाए। मैंने कहा नहीं मैं साइकिल पर जा रहा, क्योंकि अबे मेरे ना मैंने साइकिल लेकर देती थी, तो मैं स्कूलें पढ़न जाना हाँ खारे, जहाँ मैंने साइंस रहाई सी, जिस तरह मैं हाई डिवीजन पास होया सा साइंस रहाई थी, जो बड़ी मुश्किल पास होया, बहरहाल नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद मैं ना वो साइकिल लेके ना, चाचा मेरा नाराज भी हुआ, अरे साइकिल के लिए कह रहा, लेकिन बच्चा था वो, मुझे पता था मेरी इधर भी काम आएगी, लेकिन वो मेरी साइकिल बुकवाई गई। मैं आपको बताता हूँ वो कैसी, सबसे बुरा दिन था मेरे लिए वो था कि फिर वो ना मैं साइकिल लेके आ गया, तकरीबन असर के बाद मैं वहाँ से चला, तो तकरीबन मैं शाम हुई तो मैं घर पहुँच गया। अब मुझे यही था कहीं रात में ना अंधेरा ना हो जाए, तो मैंने ज़रा थोड़ी स्पीड रखी, तो फिर मैं साइकिल पर मैंने वो उस बचपन में वो जो शॉर्ट्स सड़क होती है उसको के शॉर्ट थी, और आस पास सब दरख्त होते थे, मुझे वो और भी खौफनाक काम था। अब तो सारा खुला है, बड़ा उस वक्त बच्चे के लिए साइकिल पर आना बड़ा मुश्किल था मेरे ख्याल में। तो फिर मैं इधर आया था, आके मेरी माँ बैठी पका रही थी, तो कुछ बहन आके क्या मैं तेरा ही पुत्र हाँ, कहती आओ पुत्र तो मेरा ही पुत्र है, तो मैं तुम्हें क्यों कोल क्यों नहीं रख दिया। मैं साफ गया, माँ ने कहा वो कुछ सोचा उन्हें फिर मैंने वापस ना जान दिया, जिससे मेरी थोड़ी दादी भी इससे नाराज़ हुई, क्यों फिर जाके गया तो उन्होंने रख ही लिया था मेरे के, वो तो गल ये इनकी लड़ाई रही बना। वैसे दादी के जो है ना, मैं उसको समझा हूँ, समझा ये हूँ कि उसने मेरी मदद की है। अब मैं जैसे समझा ना, अगर उसने लड़ाई पा के नहीं की, अगर वो अगर इस चीज़ को खरीदती कि तुम इन दे दिया नहीं, ये उस वो लड़ाई पैनी थी, उन्हें की करना, उन्हें देखना कोई आसे पास कोई उस मक्खन पे आया तो मैंने पा देना आला फर तू मक्खन खा के चला गया। उन लड़ाई को उसने बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया, लड़ाई नहीं होने दी और ना ही मेरे ऊपर ज़्यादा सख्ती होने दी है, क्योंकि इनकी लड़ाइयाँ तो चलती रहती थी, तो मार कुटाई पे भी काम आ जाता तो वो मुझे मारने नहीं देती थी बिल्कुल। एक दफ़ा मारा भी था मेरे पुत्रों ने, तो फुहाड़ा कट मारा उसने, क्योंकि तो उन्होंने मारा तो वो नहीं होता फुहाड़ा जिससे हम साफ करते हैं, वो कट मारे से उन्हें मेरे पुत्रों ने, तो उन्होंने हाथ लाया तो मैं तेनों फुहाड़े ना ही मारा गया। तो उस चीज़ का ना फिर मैं मुझे बड़ी देर इस चीज़ का, मेरी दादी मेरे मारेगा ना तो फुहाड़े ना मारेगी मेरी दादी, ऐसी चीज़ें मैं कहता। तो फिर किसी ने इसको अच्छा सबक लिया, किसी ने इसको बुरा लिया, बर अल्लाह सबके हाल पर रहम करे।
और जो अल्लाह ताला ने जो रूह फूकी थी ना, तो वो नॉलेज था। क्योंकि बाद में भी तो जब फरिश्तों से पूछा, आप मुझे बताएं ये कैसे गोला बनेगा, क्यों गोला बनेगा, क्या इनका अंजाम होगा, ये क्या केमिकल्स होंगे, क्या इनके न्यूट्रन काम करेंगे, क्या ऐसे क्या होगा न्यूक्लियस में, तो फिर फरिश्तों को तो मालूम नहीं था। तो इसमें क्यों था फिर इंसान जिसने ये फाइंड आउट कर लिया? तो थी ब्रीथ नॉलेज जिसको रिस्पेक्ट दी गई, और इंसान को साथ में, जो वो अल्लाह ताला ने सबसे आला तरीन जो सिफ्त थी ना, आला टूल नॉलेज, जिसको हम आला पंजाबी ने होंदा सी काला पुराने दौर दे विच, उसमें ना आला होंदा सी, तो आले दे विच दीवा रखा होंदा सी, दीवे में रोशनी होती जो रोशनी करता था। अल्लाह ताला भी अपनी एक मिसाल ऐसे एक चिराग ऐसे एक दीवे के साथ करता है, ऐसे आले के साथ करता है। आप ज़रा उसको गौर करें, हाँ जी, क्योंकि ये तो आला एक तरफ है ना, वो चारों तरफ ही फिर आपको देगा ना, गौर है अल्लाह, उसकी एक मिसाल पे पेश करते हैं। अल्लाह हाफिज़।